नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपरिचित दोस्त हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद खास है, ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे जिसका नाम है पुनर्वा। पुनर्वा जिसे साठी भी कहा जाता है, ये पौधा भी जमीन पर छत्ते के रूप में फैलता है और इसकी जड़ें सूत्री की जैसी लंबी लंबी होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी स्थानों पर उत्पन्न होती है। ये खरपतवार के रूप में खेतों में भी पाई जाती है। पुनर्वा जड़ी बूटी भारत के सभी स्थानों पर सभी क्षेत्रों में आसानी से पाई जाती है। ये सड़क के किनारों पर भी उत्पन्न होती है, खेतों में खरपतवार के रूप में पाई जाती है और बंजर जमीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। पुनर्वा की मुख्य दो प्रजातियाँ होती है, लाल और सफ़ेद। इसमें सर्वत्र अधिकता से उपयोग जो औषध कार्य में किया जाता है ये है लाल पुनर्वा। सफ़ेद, जिस पर सफ़ेद रंग के पुष्प लगते हैं और जिसका कांड हरा और सफ़ेद होता है, और जो लाल पुनर्वा है इसका कांड लाल होता है और फूल भी इसके लाल होते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है पुनर्वा। इसका अर्थ होता है शरीर को पहले जैसा बलवान और स्वस्थ बना देना। ये एक कायाकल्प बूटी है। इसका उपयोग हजारों सालों से औषध कार्य में किया जाता है। इस दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी का नाम है पुनर्वा। कोई इसे वर्षाभू कहते हैं, कोई इसे साठी से पहचानते हैं, तो कोई इसे गदह पूर्णा भी कहते हैं। ये जड़ी बूटी पूरे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखती है, किडनी लीवर को मजबूत बनाती है और पूरे शरीर का कचरा साफ करती है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भी ये जड़ी बूटी बहुत अच्छी नींद देती है। ये जड़ी बूटी शरीर में से पूरे जहर को बाहर फेंक देती है, यानी टॉक्सिन को दूर करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शरीर में अगर किसी भी प्रकार की सूजन हो, इस जड़ी बूटी के उपयोग से दूर हो जाती है। इसलिए ही इसे संस्कृत में सौथग्री कहा गया है। पीलिया पर यह बहुत चमत्कारिक फायदा देती है। इसकी जड़ों की माला बनाकर पहनने से ही पीलिया रोग खत्म हो जाता है। इसका सेवन करते रहने से हमेशा लीवर स्वस्थ रहता है, किडनी स्वस्थ बनती है और पूरा शरीर स्वस्थ बना रहता है। दोस्तों, सफ़ेद पुनर्वा की जड़ को घी में पीसकर अंजन करने से आँखों के कई रोग दूर होते हैं। आँखों में किसी कारण से फूला हो गया हो तो ये कट जाता है। जिन लोगों को भूख न लगती हो, खाया पिया पचता न हो, तो ऐसे लोगों को पुनर्वा की जड़ के चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में पीसकर शहद के साथ रोजाना खाने से भूख बहुत बढ़ती है। पेशाब संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो या गुर्दे में खराबी हो, 10 से 20 मिली की मात्रा में पुनर्वा के पंचा का क्वाथ बनाकर रोजाना पीने से जल्दी से आराम हो जाता है। पेशाब में अगर जलन हो रही हो और पेशाब खुलकर न आता हो, तो ऐसे में पुनर्वा की जड़ों का चूर्ण 3 से 4 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ ले, तो कुछ ही दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी। जिनको लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, पीलिया हो, तो ऐसे में पुनर्वा की ताजी जड़ का रस निकाल कर सुबह शाम पिलाए। अगर ये आपको ताजी न भी मिले तो इसकी जड़ों को सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें और इसका क्वाथ बनाकर सुबह शाम सेवन करें। इससे भी पीलिया निश्चित ही खत्म हो जाता है और लीवर संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके सूखी जड़ों का चूर्ण आपको पंचारी की किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। ये जड़ी बूटी खांसी को भी ठीक करती है। खांसी की समस्या होने पर पुनर्वा की जड़ का चूर्ण 4 से 5 ग्राम की मात्रा में लें और साथ में 1 से 2 काली मिर्च और 3 से 4 तुलसी के पत्ते मिलाकर धीमी आंच पर पानी में पकाएं और ठंडा होने के बाद सुबह शाम सेवन करें। किसी भी प्रकार का बुखार हो, पुराना हो या नया, पुनर्वा की जड़ों का पाउडर बनाकर इसके साथ गिलोय का पाउडर मिलाएं और तुलसी के 3 से 4 पत्ते मिलाकर 1 चम्मच पानी में उबालकर सुबह शाम रोजाना सेवन करें। अगर ये बूटी आपको ताजी मिल जाती है तो मान लीजिए आप बहुत ही नसीबदार है। इसकी जड़ों का ताज़ा रस निकालें, साथ में थोड़ी मात्रा में गिलोय का ताज़ा रस मिलाएं और 3 से 4 तुलसी के पत्ते पीसकर मिला लीजिए और सुबह शाम पिए।
इस रस का कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से कैसा भी भयानक बुखार हो ठीक हो जाएगा। बुखार के कारण आई कमजोरी भी मिट जाती है और बुखार के कारण लीवर में आई कमजोरी भी मिट जाती है। दोस्तों, इस रस को आप हमेशा खाली पेट पीते हैं तो शरीर हमेशा ताकतवर और मजबूत बना रहेगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सभी प्रकार की बीमारियां हमेशा आपसे दूर ही रहेगी, शरीर की जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। ये महिलाओं में होने वाले सफ़ेद पानी की समस्या जिसे प्रदर रोग कहा जाता है, इसमें भी बहुत ही चमत्कारिक फायदेमंद होती है। सफ़ेद पानी की समस्या होने पर 3 ग्राम पुनर्वा की जड़ के चूर्ण को भांगरे यानी भृंगराज के रस के साथ मिलाकर सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार सेवन कराए, निश्चित ही ये समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।